हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ज़ेमी स्मार्ट स्मार्ट वॉइस कंट्रोल एलईडी स्ट्रिप लाइट का डेमो दूंगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये है ज़ेमी स्मार्ट RGBW LED स्ट्रिप लाइट। चलिए अब मैं आपको ये बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें ये LED स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पे ये पावर अडेप्टर है और कुछ स्क्रूज हैं और ये एक यूजर मैनुअल है। ये एक स्ट्रिप लाइट की लेंथ 1 मीटर है। हर स्ट्रिप लाइट के एंड में ऐसे पिंस दिए हुए हैं जिससे आप बहुत सारे स्ट्रिप लाइट्स ज्वाइन करके उनकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये स्ट्रिप लाइट्स ज्वाइन करके दिखाती हूँ। इन्हें ज्वाइन करना बहुत आसान है। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों बहुत सारे स्ट्रिप लाइट्स को। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पीछे ये स्टिकर दिया हुआ है जिससे आप इसे दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रिप लाइट का मटीरियल बहुत अच्छा है। ये स्ट्रिप लाइट के साथ एक पावर अडेप्टर आता है जो 45 वॉट्स का है। ये 100 टू 240 वॉट्स सपोर्ट करता है। ये 24 वॉट्स डीसी और 1.6 एम्पीयर्स का आउटपुट देता है। इस पावर अडेप्टर के थ्रू आप इसे वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल होम, अलेक्सा या सिरी के थ्रू इन एलईडी स्ट्रिप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और स्मार्ट लाइफ ऐप से काम करता है। ये एलईडी स्ट्रिप लाइट्स RGBW स्ट्रिप लाइट्स हैं, तो ये बहुत सारे कलर सपोर्ट करती हैं। इन कलर्स को आप अपने मूड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन स्ट्रिप लाइट्स को आप फेस्टिवल में, पार्टी में या अपने रूम में इफेक्ट देने के लिए या फिर अपने फॉल सीलिंग में लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे पावर ऑन कर चुकी हूँ। इन एलईडी स्ट्रिप लाइट्स को रीसेट करने के लिए आपको पावर को 5 या उससे ज्यादा बार ऑन ऑफ करना है। इससे ये एलईडी स्ट्रिप लाइट्स रीसेट हो जाएंगी और ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये रीसेट हो चुकी है और ब्लिंक कर रही है। चलिए अब इसे स्मार्ट लाइफ ऐप में ऐड करते हैं। स्मार्ट लाइफ ऐप में ऐड करने के लिए आपको ऐड बटन प्रेस करना है, फिर आपको स्मार्ट लाइटिंग सिलेक्ट करना है और फिर लाइटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि लाइट्स ब्लिंक हो रही है या नहीं। यहाँ पे कंफर्म करते हैं। यहाँ आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड देना है और कंफर्म करना है। अब ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। चलिए अब इसका ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी 100% ब्राइटनेस है। अब मैं इसका ब्राइटनेस डिक्रीज करती हूँ तो अभी ये 9% ब्राइटनेस है। चलिए अब इसका कलर चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप अपने मूड के हिसाब से यहाँ पे कलर्स सेट कर सकते हैं। चलिए अभी ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी 93% ब्राइटनेस हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप इन एलईडी लाइट्स का स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। स्केड्यूल ऑप्शन में जाके यहाँ पे सीन ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप बहुत सारे सीन्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप बहुत सारे सीन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसे गूगल होम से कंट्रोल करके दिखाती हूँ। मेरा स्मार्ट लाइफ अकाउंट ऑलरेडी गूगल होम से लिंक्ड है, तो मैं जब भी कोई नया डिवाइस स्मार्ट लाइफ ऐप में ऐड करती हूँ वो गूगल होम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। मुझे उसे सेपरेटली गूगल होम में ऐड नहीं करना पड़ता है। चलिए अब इसे गूगल होम से कंट्रोल करते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑफ स्मार्ट लाइट। ऑलराइट, टर्निंग द स्मार्ट लाइट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट लाइट ऑफ हो गई है, तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑन स्मार्ट लाइट। Okay, turning on the smart light. तो ये स्मार्ट लाइट ऑन हो गई है। चलिए अब इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ओके गूगल, चेंज कलर ऑफ स्मार्ट लाइट टू ब्लू। Sure, changing the smart light to blue. तो कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसका ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं। ओके गूगल, सेट ब्राइटनेस ऑफ स्मार्ट लाइट टू 100%।
Sure, setting the smart light brightness to 100%. तो हम brightness increase कर पा रहे हैं Google Home से. तो आप देख सकते हैं कि हम इसे Google Home से control कर पा रहे हैं. ये था Zemi Smart RGBW LED strip light का demo. I hope आपको ये product useful लगा होगा. इस product को खरीदने का link मैं video के description box में दे रही हूँ. अगर आपको कोई भी सवाल है आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं. इस video को like करें, share करें और channel को subscribe जरूर करें. अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के बाकी वीडियो जरूर देखें. जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.